इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। इसके पहले की वीडियोस में मैंने पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है और उस पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको बनाना बता दिया है। तो अगर हम देखें नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या गोल्डन रूल बनता है, तो ये थोड़ा सा देखने में उल्टा लगता है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें डेबिट जो है ना वो आपको एक्सपेंस और लॉस को करना होता है। तो जो भी आपको एक्सपेंस या लॉस होती है, जो भी आपने खर्च किया या जो भी आपको नुकसान हुआ, उनके खाते को आपको डेबिट करना होता है, और जो भी आपको आमदनी हुई या जो आपको प्रॉफिट हुई उसके खाते को आपको क्रेडिट करना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बस नाम मात्र के होते हैं, इनका कोई भी रोल हमारे बिजनेस में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलने के सेंस में आप क्या कहेंगे कि आपको सैलरी मिली, बट रियलिटी में आपको क्या मिलता है, रियलिटी में आपको कैश मिलता है। इसलिए इसका इम्पैक्ट जो है ना वो किसी ना किसी रियल या पर्सनल अकाउंट पे पड़ता है, रियल या पर्सनल अकाउंट के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि पहले आपको इसका गोल्डन रूल अच्छे से याद रखना है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉमिनल का जो ट्रांजेक्शन होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, ये केवल गलती से ही होते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी है कि आपने रेंट पेड किया 2000 का, लेकिन गलती से उसको आपने सैलरी रिसीव में लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखिए, सैलरी रिसीव होना इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेंट का पेड होना एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेंट पेड एक्सपेंस है जबकि सैलरी रिसीव इनकम है। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, इनकम क्रेडिट हो जाएंगे। इस पर विस्तार से हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि गोल्डन जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें जो एक्सपेंस या लॉस है उनको डेबिट करते हैं जबकि इनकम को क्रेडिट करना पड़ता है। इस पर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह के गोल्डन रूल्स को मिलाकर और ये करेंगे, क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स में हम लोग इसे जानेंगे। अभी आपके सामने एक और काम है, वो काम है कि आपको अब मिक्स गोल्डन रूल्स बनाने हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपने तीन गोल्डन रूल्स पढ़े, आपने पर्सनल का गोल्डन रूल पढ़ा, आपने रियल का गोल्डन रूल पढ़ा और आपने नॉमिनल का गोल्डन रूल पढ़ा। अगर बात करें कि पर्सनल के गोल्डन रूल की, तो आपने इसमें पढ़ा था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर वही बात करें रियल अकाउंट के गोल्डन रूल की, तो इसमें था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का अभी अभी हमने देखा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन। इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा। आप अगर नोटिस करें तो हर गोल्डन रूल में एंड के बाद अगर आप नोटिस करें तो हर गोल्डन रूल में एंड के पहले डेबिट साइड लिखा होता है और एंड के बाद क्रेडिट साइड लिखा होता है। तो हम इन्हीं दोनों को मिलाकर नए गोल्डन रूल्स बनाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर डेबिट साइड में आपका पर्सनल अकाउंट हो और क्रेडिट साइड में भी पर्सनल अकाउंट हो, तो जो रूल बनेगा वो बनेगा डेबिट साइड में पर्सनल का ही रूल बनेगा और क्रेडिट साइड में भी पर्सनल का ही रूल बनेगा। तो जो गोल्डन रूल बनेगा वो बनेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल भी पर्सनल का है और ये रूल भी पर्सनल का ही है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर आप डेबिट साइड में पर्सनल को रखें जबकि क्रेडिट साइड में रियल अकाउंट को रखें। डेबिट में पर्सनल और क्रेडिट में रियल, तो बनेगा रूल आपका पर्सनल और रियल के बीच में। तो जब पर्सनल होगा और रियल होगा तो डेबिट साइड तो पर्सनल का लिखेंगे लेकिन क्रेडिट साइड जो होगा वो रियल का लिखेंगे। इसके लिए आपको ये तीनों गोल्डन रूल याद होने चाहिए। पर्सनल का जो गोल्डन रूल होता है वो डेबिट साइड में कहता है डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल का है। और रियल के क्रेडिट साइड का अगर आप रूल देखो तो वहाँ लिखा होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कि एक रियल अकाउंट का रूल है। सिमिलरली जब आप पर्सनल अकाउंट डेबिट में रखते हैं और क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट को रखते हैं, तो जो आपका रूल बनता है वो बनता है पर्सनल अकाउंट
टू नॉमिनल अकाउंट, और इस सिचुएशन में पर्सनल का तो डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर, जबकि नॉमिनल के क्रेडिट साइड को आपको लिखना होता है क्रेडिट ऑल इनकम गेन। और इसी प्रकार से कुल मिलाकर आपके पास 9 गोल्डन रूल बनते हैं जो कि इस प्रकार से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छे से याद कर जाइएगा। याद करने का मतलब है समझ के आपको इसे वापस लिखना है। मूल रूप से आप देखो तो 3 ही गोल्डन रूल्स हैं और उन्हीं तीनों गोल्डन रूल्स को आपस में हम इधर उधर एक्सचेंज करके लिख रहे हैं। अगर मैं रैंडमली आपसे पूछ दूँ कि ये बताइए कि एक तरफ अगर नॉमिनल अकाउंट हो, एक तरफ नॉमिनल हो और दूसरी तरफ रियल हो, तो आप क्या बनाएंगे? तो नॉमिनल का जो गोल्डन रूल बनेगा वो बनेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, जबकि रियल के क्रेडिट साइड में जो गोल्डन रूल होगा वो होगा डेबिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा गोल्डन रूल आपका कंप्लीट हो जाएगा 9 का 9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। इसमें हमने अकाउंटिंग में यूज़ होने वाले सभी गोल्डन रूल्स को 1 by 1 डिस्कस कर लिया है और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन में हर गोल्डन रूल के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ हम लोग जर्नल एंट्री करना भी उसी में सीखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।